जी हम पहुंच चुके हैं। खैर अगर देखे हम इधर आए, अम्मार के गए। अम्मार थोड़ा सा विजिट करो अपने घर का। जा रहे हैं मोदी भाई, हम चश्मा देखने जा रहे हैं। ओहो बहुत ठंडा पानी है। दूंगा गली यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, पाइपलाइन ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। बहुत ऊंची जगह पे हम अभी। सामान वगैरह पैक हो गया है और अब हम इधर छत का नज़ारा करने जा रहे हैं। ऊपर खैरा गली का एक लोकल टाउन है, उसका ऊपर से देखें तो कैसा लगता है उसका। आ जाए ये नज़ारे हैं भाई ऊपर छत से खैरा गली के। ये नीचे रोड जा रहा है, के घर की छत पे खड़े हुए और ऊपर से नज़ारे कर रहे हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, वो देखें नीचे दुकानें वगैरह बनी हुई। दथिया गली के रास्ते में छोटा सा नीचे बाड़िया बाजार है और एक खैरा गली बाजार है। अच्छा, उसके बाद बीच में डूंगा गली है। अच्छा, इधर गलियाँ बहुत, नथिया गली, डूंगा गलियात है ना, ये गलियात इनको इसलिए गलियात कहते हैं। ये मतलब माउंटेन एरिया है तो इन सारों को वो उर्दू में इनको गलियात का नाम दिया गया। एक बंदा बहुत भूखा है लग रहा है। हमारे भूख लगी है क्या? भूख तो लगी हुई है। अच्छा, क्या खाना है, क्या मिलेगा यहाँ पे यार तुम्हारे एरिया में? यहाँ पे देखते हैं जाके, देखते हैं चलें चलें भाई, आ जाए देखते हैं जाके। अम्मार में गिर दिया, देखते हैं आगे तो फिर आ जाए भाई। ये खैरा गली जो है ये एक लोकल टाउन है, इधर एयरबीएनबी वगैरह होते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं। सुकून की जगह है, अगर आपको भी अपना समर इन्जॉय करना है तो यहाँ पे आके एयरबीएनबी वगैरह कितने तक का हो जाता होगा मोदी भाई अंदाजन? मेरे ख्याल डिपेंड करता है, वीकेंड है नहीं वीकेंड है, पीक सीज़न है जैसे गर्मियों का ऑफ पीक सीज़न है, तो मेरे ख्याल में 5,000 से लेके 20,000 तक भी रेट चला जाता होगा डिपेंडिंग ऑन। तो 5,000 से 20,000 तक डिपेंडिंग ऑन सीज़न, अगर बिजी है तो ज़ाहिर है वो ऊपर चले जाएगा। लेकिन आप यहाँ के यहाँ पे रहें, दो कमरों का फ्लैट फैमिली के लिए ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त जगह है, लोकल टाउन, गाड़ी होनी चाहिए आपके पास यहाँ पर लाजमी तौर पर। और चलें आ जाएँ, चलते हैं खैरा गली। ये अब हम आ गए बाहर, उधर हमने गाड़ी खड़ी की है। कहाँ जा रहे हैं मोदी भाई? हम चश्मा देखने जा रहे हैं। खैरा गली कहाँ जा रहे हैं हम? ये चश्मा इधर को आप शायद आप तो 20-20 के पास लेके आ गए। ओहो बहुत ठंडा पानी है, यख ठंडा पानी तो पहाड़ों से आ रहा है। लोग लोकल लोग यहाँ पे अभी भाई एक आए हुए थे वजू करके गए, लेकिन पानी पी के देखते हैं कैसा है। बहुत मज़े का है, मज़े का पानी है, बहुत मज़े का। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded by this I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am not known. Changla gali se hum guzar rahe hain aur hum Kuza gali ki taraf ja rahe hain. Kitna khoobsurat town bana hua, aap dekh. Bhai zindagi enjoy karni hai aapne, idhar aa jaye garmiyon mein.
करवाई हम मार दे इधर चलो उधर चलो। मोदी भाई पहले भी इधर खा चुके हैं तो इधर खास तौर पे आए नाश्ता करने के लिए। यार बिलाखिर हमने यहाँ पे दाल मखानी लिए, चिकन फ्राई दाल है। कितनी बुरी हालत है इसकी। आने आगे ड्राइविंग भी करनी है। हमने क्या क्या ऑर्डर किया मोदी भाई? हमने दो आइटमें ऑर्डर किए हैं, एक हमने ऑर्डर की है और एक हमने दाल ऑर्डर की है। चाय आ रही है और दाल आ रही है। मुनासिब कीमत है, मेरे ख्याल में हाफ कढ़ाई जो थी वो 900 रुपए की है और जो दाल है वो 700 रुपए की है। आपको ये बात तो जहन में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जब आप आते हैं जब थोड़े से प्राइस भी हाई होते हैं लेकिन इधर मुनासिब प्राइस है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। सही है, नॉर्मल है। अगर आप 2000 रुपए में खाना तीन बंदे पेट भर के खाना करें ज़बरदस्त है। वो जल्दी आ गया है यहाँ पे। ये देखिए खाना आपको चेक करा रहा हूँ। ये दाल है, ये अल्लाह भला करे चिकन कढ़ाई है, ये सैलड है, ये नान या रोटी है। भी बहुत ज़्यादा खाना है, ज़बरदस्त है। जब मैं दाल ले रहा था 700 की बता रहा था। अच्छा ज़्यादा खाना है मोदी भाई, सही खाना आ गया था है ना, और मज़ेदार भी है, टेस्टी भी है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना? हमारा सही है खाना। ये रोटियां बहुत ज़बरदस्त है यार, ये रोटियां जो है ना पतली पतली है। गरम गरम चाय भी आ गई है, आप चेक करें। ओ हाँ भाई, कैसी है चाय? बेहतरीन है। ये 500 रुपये बचे हैं हमारे खाने में से और कोई भी नहीं ले रहा है। अब ये फैसला होगा, क्या बोलते हैं उसको, पुंगी करेंगे, पुंग लेते हैं, पुंग। आए सर, आ जल्दी करके। तो आप या ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है चलो। ओए तीन बंदे आ गए, ओए सेम आ गया, ओए कौन है किस्मत में आ गया। मोदी भाई के 500 रुपये मोदी भाई के। डूंगा गली में खाना खाया है रेस्टोरेंट भाई के पास, खाना और बहुत मुनासिब कीमत पे। लोग बोलते हैं कि इधर बहुत महंगा खाना होता है लेकिन हमें बहुत मुनासिब कीमत पे। भाई जान क्या जगह का नाम क्या है? डूंगा गली स्नो लैंड होटल है ये। अच्छा स्नो स्नो लैंड स्नो लैंड होटल में भाई आप लोगों ने आना है। स्नो लैंड होटल में जब भी आपने आना है, बहुत मज़े का खाना। नाश्ता डॉट खाना हमने खा लिया है। अब ये डूंगा गली में हम एक ट्रैक बना हुआ है मोदी भाई, क्या है वो ट्रैक? ये 4 किलोमीटर का ट्रैक है, तो ये गोरों ने बनाया था। अच्छा। को पानी लेके जाना था डूंगा गली से यूबिया।
उन्होंने वो 4 किलोमीटर का पाइप बिछाया। अच्छा, तो उसी पाइप के अराउंड उन्होंने अब एक ट्रैक बना दिया है। ये तो हम उस ट्रैक की तरफ जाए, ये पूरा डोंगा गली का एरिया आप देख लें। अच्छा पिट स्टॉप है, ज़बरदस्त जगह है, खाने पीने की जगह है, तकरीबन सारी जो ज़रूरियात की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। ये पूरी डोंगा गली है, देखें वो लिखा हुआ डोंगा गली। जा रहे हैं पाइपलाइन ट्रैक, ये उस साइड पे है, ये पाइपलाइन ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। हाँ, पाइपलाइन ट्रैक पे जा रहे हैं, ठीक है। जो है लोकल की फीस 20 रुपये है और फॉरनर की लोकल की फीस कितनी है? हाँ भाई, हम स्टार्ट हो गया है पाइपलाइन ट्रैक। यहाँ ये देखिए कुछ जगहें भी बनी हुई, यहाँ पे बैठ सकते हैं आप। ये देखिए 250 मीटर हम चल रही है, यहाँ ये चमगादड़ भी पाई जाती है। अब 3 किलोमीटर और है आगे, ट्रैक भी चल रहा है, यहाँ से आ रहा है और वो देखें कहाँ तक रहा है। डोंगा गली से निकल के हम पाइपलाइन ट्रैक पे जा रहे हैं, जो कि 4 किलोमीटर का ट्रैक है, बहुत ऊंची जगह पे है। हम अभी बहुत खूबसूरत बनाया भाई, अंग्रेजों के दौर का मोटिव, अंग्रेजों के दौर का है। हाँ, अंग्रेजों ने साइंस लड़ाई थी ये। और ये देखें आप पाइप लाइन, ये पाइप लाइन है टू वे है ना, वहाँ से इधर आ सकते हैं और इधर से उधर जा सकते हैं। है कि आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, अगर आपको गाड़ी के साथ घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त जगह है, खूबसूरत जगह है, मज़ा आ रहा है, आदमी रिलैक्स करता है ऐसी जगह पर आके। देखें कितना खूबसूरत माहौल है। दरमियान वाले उसमें से जाएंगे, पैदल जाएंगे 2-3 मिनट का सफ़र है। अच्छा, वहाँ पे टैंक बने, और ये टैंक जो उसमें जो पानी आता है ना, यहाँ पे पाइप लगी है ना, ये उसी का पानी है, वाटर जाता है, मरी जाता है। डोंगा गली में अभी हम पाइपलाइन ट्रैक से होके आ गए, अब हम जा रहे हैं वाटर टैंक। जो पाइपलाइन जा रही थी ना, ये टैंक, इसका पानी यहाँ पर गिरता है एक जगह, तो देखते हैं, बहुत चलना पड़ रहा है। वाटर टैंक, ओहो बहुत बड़ा वाटर टैंक यार, इतना बड़ा वाटर टैंक तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मुझे भाई ये कौन से आलू वाले हैं या फिर आलू वाले? ठीक ठीक, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, मजे मजे के पकौड़े खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठे हुए। पकौड़े आपने पहले यहाँ के खाए हुए ना? कौन से पकौड़े? मार के पकौड़े। अच्छा, मार के पकौड़े, मार के पकौड़े हैं भाई। हाँ भाई, पिंडी जासो, पिंडी जासो, पिंडी जासो बाबा जी, बाबा जी पिंडी है। पकौड़े आप चेक करें भाई, बारियाँ के पकौड़े, गरम गरम पकौड़े, मज़ेदार पकौड़े खा लिए।